हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? तो हमारा एग्जाम हो चुका है, ऑनलाइन का हो गया और ओरल प्रैक्टिकल भी हो गया सीसीएमसी का। तो ओरल तो एकदम फाड़ू रहा, बढ़िया रहा, मस्त रहा। और लेकिन थोड़ा ऑनलाइन में थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चन थे, जो जो हमने पढ़ा था उसे उसी के रिलेटेड था, बट एकदम बना के आए थे। यानी कि कुछ अजीबो गरीब से क्वेश्चन आए थे, सेम टू नहीं आए थे कि हु बहू वही जो पढ़ा वही आया, ऐसा नहीं है। थोड़े क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए थे, लेकिन अच्छे थे। एग्जाम ऑनलाइन का भी बढ़िया गया, लेकिन मैं बढ़िया नहीं बोल सकता, ठीक ठाक बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक ठाक गया ऑनलाइन का भी एग्जाम। बाकी ओरल और जीएसके का तो एकदम फाड़ू गया, मस्त गया। उतना ज्यादा क्वेश्चन किए भी नहीं थे। जीएसके में भी पूछे थे, अगर आप फायर लग गया तो आप क्या करोगे, पहले कौन सा स्टेप उठाओगे, ये सब पूछा था। और अगर ज्यादा बढ़ गया तो फिर क्या करोगे, तो ये सब का आंसर हमने अच्छे से दिया था। फिर बताया थे लाइफ जैकेट का यूज किस लिए किया जाता है, तो उसका भी आंसर आपने अच्छे से दिया था। और काफी बढ़िया हो गया था इसका, मतलब बढ़िया हुआ था। और इसके बाद फिर हमारा फूड प्रोडक्शन का पूछे थे, हाउसकीपिंग के बारे में। मेरा मेरा आया था वेज मंचूरियन आया था, और सेकंड था सेकंड सेकंड अपना था एग फ्राइड राइस था, और थर्ड अपना था कैरमल कस्टर्ड था। तो एक्चुअली मैंने कैरमल कस्टर्ड बनाया था, बट उतना अच्छा नहीं बना, तो मैंने उसके बदले फ्रूट कस्टर्ड बनाया है। तो वो बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। मैंने सर को कन्वेंस किया कि सर एक्चुअली मेरे से वो मिस्टेक हुआ, तो मैंने उसको मतलब नहीं बनाया, और बनाया है अच्छा नहीं बना, मैंने इसके बदले फ्रूट कस्टर्ड बनाया। तो उन्होंने फ्रूट कस्टर्ड को टेस्ट किया, कहा मस्त बनाया, अच्छा बनाया। और ये हुआ फिर एक मेरे साथ ये हुआ इन शॉर्ट कि सर ने कहा होल्ड कर तुम्हारे किधर है, तो एक्चुअली सर ने मुझे दे दिया था, मैंने इधर रखा था। तो सर बोले तुम्हारा हॉल टिकट किधर है, तो मैं बोला सर इधर तो था, इधर दिया था, तो एक्चुअली मेरे पास था। तो सर बोलते मार्क्स तुम्हारा काटूंगा मैं, बोला सॉरी सर, तो बोलते सॉरी। फिर से मैंने बोला सॉरी सर, तो मैं बोला सॉरी सर, यानी कि सॉरी सॉरी में ही एक कॉमेडी हो गई, हंसने लगे। तो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, और अच्छा रहा, बढ़िया रहा। सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन का एग्जाम का मेरे को टेंशन है थोड़ा सा, कि अच्छे से मार्क्स आवे और पास हो जाऊं मैं बढ़िया से। और बस यही दुआ है भगवान से कि निकल जाऊं मैं, क्योंकि हमारा जो कोरोना ने पूरा टाइम खा गया, बोले तो टाइम इसने पूरा खा गया, मींस पूरे बर्बाद कर दिए। 6 महीने तो ऐसे बर्बाद किए, 6 महीने का तो कोर्स होता है, और 6 महीना हो गया, मतलब 1 साल तो हमारा आई थिंक चला गया कोर्स के अंदर। आई थिंक सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत का हुआ, बहुत लोगों को, तो मेरे से भी बड़े बड़े लॉसेस हुए, उसका क्या करोगे। तो दोस्तों यही है, और ये हमारा हॉस्टल है, देखो बेड जो पीछे दिख रहा है पूरा, ये ऐसी है, एक और दो, एक यहाँ दूसरा यहाँ, तो ऐसी है सबका बेड है। और ये हमको एक कबाट मिला, फिर एक ऐसा वाला कबाट मिला और बैठने के लिए, और फिर चेयर वगैरह भी मिले, काफी अच्छा कुछ रहा और बढ़िया ही रहा। बीपी मरीन में हमको बहुत अच्छा लगा। सर का तो, सर के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा कसम से, कि ऐसे सर अगर आप दिया लेके भी ढूंढोगे ना, तो आपको नहीं मिलने वाले। इतना इतने बढ़िया बढ़िया सर, इतने कॉमेडी करना, उतने उनको ये बताना, मतलब तीनों को तीनों सर फाड़ू थे। स्वप्निल सर, उनका क्या कहना, वो भी बहुत अच्छे थे। इसके बारे में मैं सर के बारे में एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, तीनों सर के बारे में। हमारे यहाँ के जो फैकल्टी है बीपी मरीन में, एकदम बेस्ट है। और यहाँ का तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन लेकिन आप यहाँ से अगर कुछ करके जाओगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी जॉब के लिए भी मुझे देखना है, क्योंकि यहाँ इतनी ट्रेनिंग दे देते हैं ना, कि आप आपको मन करेगा कि नहीं मुझे भी करना चाहिए, काम करना चाहिए। यहाँ के यहाँ पे जाने के बाद फिर हम लोग घर पे भी काम करते, मेहनत करते, अच्छा लगता है। यानी कि आपको इतना मेहनत करा देंगे ना, कि आपका मन करेगा कि नहीं नहीं मुझे फालतू नहीं बैठना है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है, ऐसे होता है कुछ। तो दोस्तों ये बताना था आपको, करना था। कल हमारा एग्जाम हो चुका था, उसके बाद मुझे बहुत नींद आई थी, मैं थक गया था, फिर सो गया। और उसके बाद फिर अभी उठा मैं, तो फिर फ्रेश हुआ, नाश्ता किया, नहाया धोया, खाना पीना भी खाया। उसके बाद मैंने ये ब्लॉग बनाया कि सीसीएमसी का एग्जाम कैसा रहा है। उसी तरह मैं जिप रीडिंग का भी बताऊंगा, जिप रीडिंग का आई थिंक अपने फ्रेंड से पूछूंगा, शेयर करूंगा, आपको नॉलेज बताऊंगा कैसे क्या क्या हुआ था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब तो कर ही देना, ताकि आपको डे टू डे अपडेट मिलता रहे कि सीसीएमसी जीप रेटिंग के बारे में, और आप क्या करना चाहते हो। यानी कि हर एक की लाइफ को थोड़ा अलग से जानना, कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ को समझना, ढूंढना, बस यही दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।